जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जयकारा बीज बीज बजरंगी। जी हाँ, भोलेनाथ बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है वो लगभग शुरू होने वाली है और उसकी तैयारियां जो हैं वो भी लगभग पूरी की जा चुकी हैं। भोले, 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 भोले। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। बाबा अमरनाथ की यात्रा की बात करें तो कुछ ही दिनों के बाद यात्रा शुरू होने वाली है और जो लंगर कमेटियां हैं वो हर साल की तरह इस बार भी एडवांस यानी कि पहले ही अपने लंगर जो हैं वो लगाने के लिए जा रही हैं। और आज उधमपुर से भी गुजरते हुए कुछ लंगर के लोग जो थे उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। जय घोष के नारे उन्होंने लगाए और इसी के साथ उधमपुर से आगे वह कश्मीर की ओर रवाना हुए और उन्होंने बताया कि उनका जो लंगर है वो जल्द ही दो चार दिन के अंदर वहाँ पे श्रीनगर में शुरू कर दिया जाएगा। तो आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं ये लंगर कमेटी के जो लोग हैं ये, और किस तरह की तैयारियां जो हैं श्रद्धालुओं के लिए वो चल रही हैं। अगर उधमपुर की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुत सारी जगह पे लंगर लगने जा रहे हैं, यात्रियों को रहने की व्यवस्था भी की जा रही है और उसी के साथ और भी काफ़ी तैयारियां जो हैं वो प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जय बफानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जयकारा बीज बीज बजरंगी। जी मैं मथुरा श्री अमरनाथ जन सेवा समिति मथुरा से अध्यक्ष हूँ रमेश चंद शर्मा। हम 12 साल से काजीगुंड में श्री बाबा बर्फानी के यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। लगातार 12वां भंडारा हमारा ये है। हमको हर साल प्रशासन से पूरी पूरी सहायता मिलती है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और हम आते हैं तो हम यहाँ बाबा की खूब अच्छे यात्रियों की सेवा करते हैं। ये 12वां भंडारा है। अब हमारा भंडारा काजीगुंड कश्मीर में लगेगा जो CRPF कैंप के अंदर है। वहाँ यात्रियों को भोजन, जल, चाय पानी, नाश्ता, सोने बैठने की व्यवस्था, कंबल आदि हम सब मुहैया कराते हैं जो हमारे सहयोगी सेवादार हमको प्रदान करते हैं। प्रशासन की ओर से हमको पूरी वहाँ बिजली, पानी, सैनिटरी, हेल्थ और फायर ब्रिगेड, ये सारी सुविधाएं प्रशासन हमको मुहैया कराता है और बहुत अच्छा लगता है हमको। ये हम लगातार करते रहे, ऐसी हमारी इच्छा है, हमारी काम। किस तरह से श्रद्धालुओं को इस बार किस कितनी देखने की ज़्यादा होंगे इस बार? अब की बार यात्रा अच्छी होगी और पिछले बार चूंकि कोरोना के बाद पहला मौका था तो थोड़ा सा लोगों के मन में एक डर था, लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि सीमा से आगे श्रद्धालु आएंगे और बहुत अच्छी यात्रा होगी और बहुत अच्छे बाबा का दर्शन सबको होगा। और यात्रा भी इस साल 2 महीने की लगभग 62 दिन की है, ये भी एक लंबा समय है तो इसको भी सभी लोग एंजॉय करेंगे।